दोस्तों एमएक्स प्लेयर पहले एक सिर्फ एक प्लेयर हुआ करता था, इस पर आप लोकल वीडियोस ही देखा करते थे। लेकिन अब ये एक ऐप अनेक ऐप का काम करता है। मतलब ये है कि आपको यदि कोई फाइल शेयर करनी है तो आप इस ऐप के जरिए फाइल शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई वेब सीरीज़ मूवीज़ देखनी है तो आप वो देख सकते हैं, ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपको अपने मोबाइल नंबर या गूगल के थ्रू साइन इन कर लेना है। तो देखिए यहाँ वेरीफाई हो चुका है, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया, ओटीपी डाल दिया, मैंने सबमिट कर दिया। ओटीपी सबमिट करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि क्या आपकी क्या एज है, मेल है फीमेल है। तो हम यहाँ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, यदि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो फिनिश पर क्लिक कर दे सकते हैं। अब हमें जब इसे हम साइन इन कर लेते हैं हमको मिलते हैं 100 कॉइन्स। तो ये आप 100 कॉइन्स और भी अर्न कर सकते हैं, या अर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो आप इन 100 कॉइन को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आप वाउचर परचेज कर सकते हैं, लेंसकार्ट का, ममा अर्थ का, कल्ट फिट। और अर्न पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जब पहली बार लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं अपने नंबर या किसी भी तरीके से, तो आपको 100 कॉइन मिलते हैं। यदि आप किसी को इन्वाइट करेंगे तो 100 कॉइन मिलेंगे आपको, और फर्स्ट टाइम क्लिक ऑनलाइन टैब पर करेंगे तो आपको 50 कॉइन्स मिलते हैं। और ये काफ़ी सारे इसमें कॉइन्स आपको मिलते रहते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा अच्छा सा प्रोसेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉइन कमा सकते हैं और वाउचर परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है माई डाउनलोड का सेक्शन। माई डाउनलोड में आपको क्या फ़ायदा है, मान लीजिए वेब शो देख रहे हैं और आपको अभी नहीं देखना है, डाउनलोड करके बाद में देखना है, तो आप उस सीरीज़ को सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको क्वालिटी बताई जाएगी कि आप किस क्वालिटी में इस ऐप को, इस वेब सीरीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आप एक क्वालिटी चुन लीजिए। चुनने के बाद यदि वो डाउनलोड होने के बाद आपको इस माई डाउनलोड सेक्शन में नज़र आएगी, तो आप मतलब आप कोई भी वेब शोज ऑफलाइन भी इस पर देख सकते हैं। एमएक्स शेयर, जैसा कि आप सभी को पता है कि शेयर इट एक चाइनीज़ ऐप था, अब वो बंद हो चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। लेकिन यदि आप के मोबाइल में एमएक्स प्लेयर डाउनलोड है तो आप और एक दूसरे को एमएक्स शेयर के जरिए किसी को भी अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एमएक्स शेयर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर क्लिक करके सेंड करेंगे। अगर आपको अपना डेटा भेजना है, कोई वीडियो इमेज भेजनी है तो आप सेंड पर, आपको रिसीव करनी है तो आप रिसीव पर कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले के पास जो है उसके पास भी एमएक्स शेयर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डार्क थीम। तो आप यहाँ पर नाइट मोड में, यदि आप नाइट में इसे यूज़ करते हैं तो आप इसे डार्क थीम कर दें, डार्क थीम पर आपको बिल्कुल डार्क मोड पर चला जाएगा ये। इसके बाद आपको मिलता है एक ऑप्शन व्हाट्सएप स्टेटस सेवर। मतलब आप यदि आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हैं और उस पर यदि स्टेटस, कोई वीडियो स्टेटस लगा हुआ है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, आपको कोई अदर ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से देखने के बाद उस स्टेटस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर प्राइवेट फोल्डर का। यदि आप कोई पास कोई ऐसी इमेजेस हैं जो से आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्राइवेट फोल्डर बना सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको पिन सेट करना पड़ेगा, आपका एक पिन बन जाएगा। आपको अदर एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर वॉच हिस्ट्री का, कि आपने अब तक क्या क्या देखा है। आप यहाँ पर वॉच हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।